उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव अगले साल की शुरुआत में होने जा रहे हैं। ऐसे में विधानसभा चुनाव से ठीक पहले प्रशांत किशोर और प्रियंका गांधी की मुलाकात से चर्चा यह गर्म हो गई है कि प्रशांत किशोर इस बार उत्तर प्रदेश में कांग्रेस का साथ देंगे। वहीं आपको बता दें कि 2017 में हुए विधानसभा चुनावों में प्रशांत किशोर ही कांग्रेस के रणनीतिकार थे। प्रशांत किशोर की ही देखरेख में उत्तर प्रदेश में कांग्रेस और समाजवादी पार्टी का गठबंधन हुआ था। हालांकि यह गठबंधन फेल हो गया था और प्रशांत किशोर के द्वारा दिया गया यूपी के लड़कों का नारा भी फेल हो चुका है। वहीं को बता दें, नतीजों के बाद प्रशांत किशोर की तरफ से भी तीखी प्रतिक्रिया देखने को मिली थी। उन्होंने कांग्रेस के काम करने के तरीकों को सवाल उठाया था और साथ ही पार्टी को जिद्दी और अहंकारी बताया था। किशोर ने तो यहां तक यह कह दिया था कि वे भविष्य में कांग्रेस के साथ कोई काम नहीं करेंगे, लेकिन प्रियंका गांधी के साथ उन्होंने कहा था कि वह संपर्क में रहेंगे और प्रियंका गांधी के साथ अपनी दोस्ती निभाएंगे। अब क्या प्रशांत किशोर उत्तर प्रदेश में एक बार फिर कांग्रेस के साथ आकर प्रियंका गांधी के साथ अपनी दोस्ती निभाएंगे, इस पर बड़ा सवाल खड़ा होता है। जुड़े रहिए SPN9 न्यूज के साथ। धन्यवाद।